तक लाइव में आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रदेश के करीब 7 जिलों में डेंगू ने अपना कहर बरपा कर रखा हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी का कहना है कि निश्चित तौर पर डेंगू को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं। आपको बता दें कि राम चौधरी ने कहा कि मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जबलपुर, इंदौर सहित जिन जिलों में डेंगू का संक्रमण बना है वहां पर हमारी टीम जाकर लगातार सर्वे कर रही है। टीम डेंगू का लार्वा नष्ट कर रहे हैं और दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इसकी समीक्षा बैठक की थी और जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए थे। जिला अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों के लिए 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि 2 माह अभियान चलाकर अभी तक 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जो भी पात्र लोग उन्हें लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भी महाअभियान चलाया जाएगा। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। डेंगू के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा बैठक भी की थी और उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत की थी। जो मध्य प्रदेश में जिन जिलों में डेंगू के केस निकले हैं उसमें 7 जिले प्रभावित हैं। उसमें मंदसौर है, रतलाम है, आगरमालवा, इंदौर, जबलपुर, वहाँ सर्वे की टीमें बनाई गई हैं और घर घर सर्वे किया जा रहा है। जो लार्वा है उस लार्वा को नष्ट किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर मिल रहा है। इसमें नगर निगम की, नगर पालिकाओं की और स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं और लार्वा को नष्ट करने के लिए जो दवाई है उसका भी उपयोग किया जा रहा है। वहाँ की फॉगिंग भी की जा रही है और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने पूरी इसमें चिंता व्यक्त की है। अस्पतालों में भी 10-10 बेड जिला अस्पतालों में आरक्षित किए गए हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ में सरकार काम कर रही है। सर, के टीकाकरण तो मध्य प्रदेश की किस तरह से तैयारी है? मध्य प्रदेश सरकार लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 18 प्लस के जितने पात्र हमारे नागरिक हैं उन सबके लिए वैक्सीन लगा रही है। और आप जैसा कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें 4 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज लग चुके हैं, 95 लाख करीब सेकंड डोज लग चुके हैं। 2 बार हम लोगों ने महाअभियान चलाया। अब फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर फिर हम लोग एक महाअभियान चला रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे पात्र नागरिक हैं जिनको कि वैक्सीन लगना चाहिए वो प्रथम डोज भी लगवा सकें और सेकंड डोज।